गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की चित्र शैलियों की उप शैलियाँ जो मेवाड़ की उप शैलियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मेवाड़ शैली है उसकी उप शैलियाँ हैं ऊना दे चावंड, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चावंड शैली। तो आज हम पहली हैं अपनी उदयपुर शैली। उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली की जो उप शैली है उसका नाम है उदयपुर शैली और प्रमुख महाराजा है प्रमुख महाराजा हैं जगत सिंह प्रथम और इनका ये स्वर्ण काल है और इनका ये क्या है स्वर्ण काल है। और अब यहाँ पे प्रमुख चित्रकार की ट्रिक है, शाहिद दिन की कृपा हो ट्रिक। इसके लिए ट्रिक है साहिब दिन की कृपा हो, साहिब दिन री कृपा हो तो मनोहरी उम्र लंबी हो जाए हीरा जिम हीरो केड़ो हीरो केड़ो कमल जेड़ो कमल जेड़ो। तो ये इसकी ट्रिक है, साहिब दिन की कृपा हो तो मनोरी उम्र लंबी हो जावे, हीरा जी हीरो केड़ो कमल जेड़ो। तो इनके जो चित्रकार है साहिब दिन कृपा से कृपा राम हो तो मनोहर री उम्र उम्र से हो जाएगा उम्रा लंबी हो जावे हीरानंद जीव हीरो केड़ो कमल जेड़ो कमल चंद्र। ये हमारे चित्रकार हो गए। और हीरानंद की रचना है सुपास नेह चरियम, जो ये हीरानंद है इसकी रचना का नाम है सुपास नेह चरियम। और कमल चंद्र है इसकी रचना का नाम है श्रावक प्रतिकर्मण चूर्णी। और यहाँ पे एक अन्य के अंदर अपन देख सकते हैं चितेरोरी औरी या तस्वीरों कारखानों चितेरोरी औरी या तस्वीरों कारखानों या कला विद्यालय भी इसको कहते हैं कला विद्यालय कला विद्यालय। ये जो किसके काल में है जगत सिंह प्रथम के काल में इसकी स्थापना हुई है। चितेरोरी औरी या इसको तस्वीरों कारखाना भी कहते हैं या कला विद्यालय, ये जगत सिंह प्रथम के काल में हुई है। ये हो गई अपने उदयपुर से।
अब हम उसके आगे लेंगे नाच द्वारा शैली। तो पहले आप इसको कैप्चर कर लो, लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अपन आगे चलते हैं। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर है नाच द्वारा से। कौन सी है? नाथ द्वारा से दूसरी है अपने नाथ द्वारा से। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख महाराजा हैं महाराजा राज सिंह। प्रमुख महाराजा हैं राज सिंह। यहाँ पे प्रमुख महाराजा है राज सिंह। और अब इसके चित्रकार है, प्रमुख जो चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार, इसके प्रमुख चित्रकार के ट्रिक है ए घासीडा और नारायण है नी चतुर्भुज चित्र उन्दो बना दियो। ए घासीडा और नारायण है नी चतुर्भुज चित्र चित्र उन्दो बना दियो, उन्दो बना दियो। ये इसकी ट्रिक है एक घासीड़ा और नारायण हैनी चतुर्भुज चित्र उन्दो बना दियो। तो ये इसके नाथ द्वारा शैली के जो भी चित्रकार हैं उनकी ट्रिक है। घासीड़ा से हो जाएगा घासीराम, नारायण, ये दो नाम। तीसरे नंबर पर हो जाएगा चतुर्भुज, उदय से उदय राम। ये इसके चित्रकार हो गए। नाथ द्वारा शैली के अंदर दो चित्रकार और इम्पोर्टेंट हैं, जो दो हैं महिला चित्रकार, कमला और इलायची। ये नाथ द्वारा शैली में महिला चित्रकार है, महिला चित्रकार नाथ द्वारा शैली की ये दो महिला चित्रकार हैं। और इसके अंदर कृष्ण के जो चित्र हैं उनकी बाहुल्यता है, कृष्ण चित्र की बाहुल्यता है। कृष्ण के चित्र ज्यादा बने गए हैं इसके अंदर, हरे व पीले रंग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे ज्यादातर, हरे व पीले रंग का प्रयोग ज्यादा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद में अपन चलेंगे तीसरी शैली जो है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली देवगढ़ शैली को अपन मिश्रित शैली भी कहते हैं, मिश्रित शैली, और इसको कॉकटेल शैली भी बोलते हैं, कॉकटेल शैली। मिश्रित शैली या कॉकटेल शैली। देवगढ़ शैली के अंदर है बैजनाथ, कमला और चोखा प्रमुख चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकार बैजनाथ, कमला व चोखा। बैजनाथ, कमला और चोखा ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। और इसके अंदर पीले रंग का ज्यादा प्रयोग हुआ है, पीले रंग का बाहुल्य है यहाँ पे। पीले
पीले रंग का यहाँ पे ज्यादा सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अब 4 नंबर पे हैं अपने, चार नंबर पे चावंड शैली, चावंड चावंड शैली, चावंड शैली के प्रमुख महाराजा हैं महाराणा प्रताप और अमर सिंह। महाराणा महाराणा प्रताप व अमर सिंह। और जो अमर सिंह का जो काल है वो कहलाता है स्वर्ण काल। अमर सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है। और यहाँ पे नासिर दीन प्रमुख चित्रकार है, नासिर दीन प्रमुख चित्रकार है जिन्होंने ढोला मारू और इनका ग्रंथ है रागमाला, राग रागमाला और ढोला मारू, इनके क्या हैं ग्रंथ हैं, ये इनके ये ग्रंथ है नासिरुद्दीन के। कल अपन मारवाड़ शैली पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।